जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। कोविड 19 को लेकर झारखंड सरकार ने गुरुवार को नया आदेश जारी किया है। राज्य में लॉकडाउन की अवधि का विस्तार आगामी 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे। वहीं दुर्गा पूजा की सशर्त अनुमति दे दी गई है। पारंपरिक तरीके से पूजा की अनुमति होगी। लोग मंदिरों और घरों में पूजा कर सकेंगे, लेकिन मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पंडाल में पूजा होगी, लेकिन भीड़ लगाकर दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पंडाल में एक समय में 7 लोग से ज्यादा मौजूद नहीं रह सकेंगे, जिसमें पूजा समिति के सदस्य, आयोजक और पुजारी भी शामिल हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूकने पर पाबंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी। वहीं राज्य में आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले दूसरे प्रदेश के परीक्षार्थियों को विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। उक्त अवधि में उनका एडमिट कार्ड एंट्री पास माना जाएगा। उनके साथ एक अभिभावक भी आ सकेंगे। अन्य लोगों की तरह उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। हालांकि सभी के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने गुरुवार को जामिया नगर में तबलीगी जमात के लोगों से मुलाकात की और उन्हें झारखंडी शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं जमात के लोगों ने भी श्री तिर्की का स्वागत किया। ज्ञात हो कि तबलीगी जमात के लोग इसी वर्ष 16 मार्च को भारत आए थे। इन्हें कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 3 महीने से अधिक समय तक रांची जेल में गुजारने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने जुर्माने की राशि अदा करने के बाद सभी को बरी कर दिया। इस बीच श्री तिर्की ने कहा कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर कहा गया जमात के लोगों को एक षडयंत्र का शिकार बनाया गया था। हालांकि इस मामले पर कुछ बोले बिना जमात के लोगों ने रांची के लोगों की तारीफ की और कहा कि यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं और हमें यहाँ के लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला है। ऐसा अनुमान है कि तबलीगी जमात के लोग शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां से वे अपने अपने देश के राजदूत को रिपोर्ट करेंगे और वहां से वीजा मिलने के बाद अपने अपने देश लौट जाएंगे। ये झारखंड और रांची वाला जो लोग हैं सबको धन्यवाद देना चाहता है। इसीलिए हम जितना भी हमारा तकलीफी है सब हम भूल गया ये लोगों को प्यार मोहब्बत से, तो हम इधर से बहुत कुछ ले जा रहे हैं और फिर भी हम भी उसके जरिए से हम बहुत दुआ भी उसको दे रहे हैं और हमारा जो भी फैमिली है आपस जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये जितना टाइम हमारा इधर स्पेंड हुआ सबको हम यादगार बना के ले जा रहे हैं और खुशी की बात है सब डिफरेंट रिलीजन का पीपल भी है हमारा साथ दिया और हम पहले तो जेल में है वे जेल में भी बहुत हिंदू लोग भी हमारा साथ दिया और हमको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाया। इसीलिए हम सबको हमारा जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर साहब और जेल के अंदर जितना भी पहरादार है सबको हम धन्यवाद देना चाहता है। को कुछ दिन पहले जब लोग जमाती में यहाँ पर आए हुए थे कि कोरोना फैलाने के आरोप में अनेक तरफ कहा जाए बेबुनियाद झूठा आरोप लगा करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा और विशेषकर यहाँ पर रांची के हाई कोर्ट के द्वारा इसको बाइज्जत इनको बरी कर दिया गया और जो आरोप लगा था उनको मुंबई का औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायालय ने कहा भी कि इनको फिजूल का इसको बल्ली का बकरा बना दिया गया था। अब ये लोग बिल्कुल बरी हो गए हैं बाइज्जत, इनके सारे कागजात वगैरह बन गया है, वापस लौटने की तैयारी में है। यहाँ पर चाहे तनवीर भाई कहें, इकबाल भाई कहें, तानिस भाई कहें, सारे लोग इनका लगातार खिदमत किया। इस बीच में संयोग से हमें भी इनसे जेल में जाने का मौका मिला इनके इनको देखने के लिए। इस यहाँ बराबर हम आते रहते थे, एक लगाव सा हो गया था इन लोगों के साथ में।
आज ये लोग एक दो दिन में चले जाएंगे, तो हम लोग एक तरफ से कहा जाए कि हम लोग यादगार में इनको फेयरवेल हम लोग दे रहे हैं और इनकी शुभ यात्रा का शुभकामना भी हम लोग करते हैं, ये लोग जाएं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग से कोई गुस्ताखी हुआ होगा पूरा किसी तरह का, चूँकि इंडिया में जो कंसेप्ट है कि अतिथि आपका देवता की तरह होता है, तो हमसे थोड़ी बहुत कहीं हम लोगों से कहीं चुप हुई होगी, तो हम लोग इन लोगों को मैंने कि इसको हम लोग आज इसी में भी करके कि ये लोग वहाँ आज जाए और जा करके पुनः ये लोग भारत आए, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। अब खबरों में रांची की ओर रुख करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत की तैयारी की अगुवाई खुद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया। बताते चले कि झारखंड से कुल 3 नेताओं को शीर्ष नेतृत्व में स्थान मिला है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में रघुवर दास और अन्नपूर्णा देवी, तो अनुसूचित जनजाति के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद समीर उरांव बनाए गए हैं। इस मौके पर रघुवर दास ने सूबे की सरकार की नाकामियों को गिनाया और पार्टी के सिद्धांतों पर कार्यकर्ताओं को चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक लुभावन वादे और बदले की भावना से काम करने वाली राज्य सरकार से जनता पूरी तरह त्रस्त है। संगठन को मजबूत करने में दिन रात लगे और ये जो सरकार की 9 महीने के कार्यकाल से जनता हताश है, जनता निराश है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी विकास है। डेमोक्रेसी में जो विपक्ष की जो महती जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में जनता के हित के लिए संगठन को संगठित कर जरूरत पड़ा तो जनता के लिए सड़क पर संघर्ष करने के लिए से बात हुई है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री को गुरुवार को रिम्स के कोविड आईसीयू से मेडिका अस्पताल शिफ्ट किया गया। कोरोना संक्रमित होने के साथ ही उनकी तबीयत अचानक पिछले दिनों खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें बोकारो से रांची लाया गया और रिम्स में भर्ती कराया गया था। पारा शिक्षक इनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर गांधी जयंती के मौके पर राज्य भर में प्रखंड व जिला स्तर पर हवन करने का निर्णय लिया है। फिलहाल क्रिटिकल के विशेषज्ञ डॉक्टर विजय मिश्रा उनका इलाज कर रहे हैं। इलाज में हार्ट के डॉक्टर का भी सलाह लिया जा रहा है। देखिए, ऑक्सीजन लेवल सही है, उनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में यहाँ पे रखा गया था, टीम बिल्कुल काम कर रही थी, परंतु उन्होंने खुद इच्छा जताई कि उन्हें मेडिका भेजा जाए, क्योंकि पूर्व में भी शायद उनका इलाज मेडिका में हार्ट वगैरह का हो चुका है, तो उन्होंने इच्छा जताई आज कि हमें मेडिका भेज दिया जाए। तो फिर उन्हीं की इच्छा के आलोक में ये निर्णय लिया गया और उनको मेडिका भेजा गया है। वो हमारी तरफ से रेफर नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में है। जब भी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से उनको हटाया जा रहा है तो उनका सेचुरेशन गिर जा रहा है, खाना खाने के वक्त गिर जा रहा है और अन्य चीज़ों में उनका और सेचुरेशन गिर जा रहा है। रात में भी इसी तरह से खाना वो खाए और उसके बाद उनका सेचुरेशन गिर गया, तो हमारे क्रिटिकल केयर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एवं अन्य डॉक्टर रात भर उनके इलाज में लगे रहे। अब राजनीति से जुड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस, जदयू, भाजपा व आजसू के बाद पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अब गुरुवार को राजद का दामन थाम लिया। प्रदेश राजद अध्यक्ष अभय सिंह ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजद में शामिल होने के बाद श्री किशोर ने कहा कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप राजद में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति खुद का प्रबंधक होता है और उसे अपने जीवन का मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ता है। उन्होंने अब राजद को मजबूत बनाए जाने को लेकर जी तोड़ मेहनत करने की बात कही। वहीं राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राधा कृष्ण किशोर के पार्टी में आने से पलामू प्रमंडल में संगठन को मजबूती मिलेगी और उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। कि हर मनुष्य अपने जीवन का प्रबंधक मैनेजर वो होता है, और 40 वर्षों का जो राजनीतिक जीवन मेरा रहा है,
तो मैंने ये निर्णय किया, जब विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे नहीं मिला तो तत्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में मुझे चुनाव लड़ना था, और मैंने उसी समय संपर्क किया था आरजेडी के नेताओं से कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन वो मेरे किस्मत में नहीं था, विलंब हो चुका था। और मैंने ये निर्णय लिया कि जो पलामू की पृष्ठभूमि है, जो झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेकर के जो हमारी पार्टी के विचारधारा हैं, जो सिद्धांत हैं, उसे झारखंड की धरती पे उतारा जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी साथी, प्रदेश के, जिला के और प्रखंड स्तर के जो भी हमारे साथी हैं, मिलके हम लोग काम करेंगे और उन सिद्धांत पार्टी के उन नीतियों को हम धरातल पर उतारेंगे और समाज को एक साथ बांध करके सभी लोगों को लेकर के हम चलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में, आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय जनता दल की सांगठनिक स्थिति इस राज्य में भी मजबूत होगी। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में कोरोना से होने वाले मौतों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें रांची से 3, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर, गोड्डा व हजारीबाग से एक एक मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 721 हो गई है। वहीं गुरुवार को राज्य भर से 1013 नए संक्रमित मिले, जिससे अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 84,664 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि बीते कई दिनों की तरह नए संक्रमितों के मिलने के मुकाबले स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही, और गुरुवार को 1119 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। इस तरह अब तक कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 72,461 हो चुकी है। फिलहाल झारखंड में एक्टिव केसों की संख्या अब महज 11,482 रह गई है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।